हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूंग आवर सीरीज ऑफ एन सी आर टी एग्जाम्पल नाउ वी आर ऑन चैप्टर नाइन्थ दैट इज़ हाइड्रोजन ठीक है इन लास्ट वीडियो वी कम टू नो अबाउट द दर्टीन क्वेश्चन हमने करे थे दैट इज़ ऑफ सिंगल चॉइस अब हमारे पास कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे ठीक है तो स्टार्टिंग विद दैट अगर आपको पार्ट वन के मतलब क्वेश्चन नंबर थर्टीनथ अगर आपको कुछ डाउट है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है आप इजीली चेक कर सकते हैं या फिर उससे पहले जितने भी अपने क्लास एलेवेंथ के चैप्टर्स हैं ऑफ़ केमिस्ट्री आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवेर आप इजीली चेक कर सकते हैं ठीक है सो कंटिन्यूइंग ऑफ एन सी एनसीईआरटी टी वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दैट इज एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ वाटर गैस इन द सिंथेसिस ऑफ अनदर कंपाउंड वाटर गैस कौन सी होती है दैट इज बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस इसी को हम सिंथेसिस गैस भी बोल सकते हैं बेसिकली सिन गैस भी बोला जाता है एंड दैट इज बेसिकली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मतलब डाई हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस गैस एज वेल एज वाटर गैस ठीक है as well as gas, तो अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें वाटर गैस का यूज़ किया गया है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर कंपाउंड और कंपाउंड के सिंथेसिस में वाटर गैस को यूज़ किया है तो हमें पता है वाटर गैस इज वॉट वाटर गैस बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोला जाता है वॉट वाटर गैस इसका एक और नाम है दैट इज सिंध गैस या फिर सिंथिस गैस इज ऑल्सो द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन ठीक है तो अब हमें ये बताना है तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है हाइड्रोकार्बन रिएक्टिंग विद वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस की तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है वहीं हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस में वाटर गैस को यूज़ करके अनदर कंपाउंड बनाए हैं ठीक है लेकिन फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस है सेकेंड रिएक्शन में भी क्या हो रहा है सी ओ टू प्लस एच टू अब यहाँ पर सी ओ टू एंड एच टू दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन यूज़ की जाती है जो कि सेकेंड रिएक्शन है ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर दिस इज नॉट दी वाटर गैस वाटर गैस कौन सी होती है वेन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज डाई हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर है ठीक है थर्ड अगर हम देखें वी हैव हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो वाटर गैस प्रोडक्शन है दिस इज ऑल्सो दी वाटर गैस प्रोडक्शन लास्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइनिंग विद डाई हाइड्रोजन यस ये वाटर गैस है और ये यूज की जा रही है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल ठीक है एल्कोहल के सिंथेसिस में यूज होता है वाटर गैस सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ वाटर गैस तो यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा था तो ऑप्शन फोर्थ वन इज़ द करेक्ट वन ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैम्पल बेसिकली हार्डनेस इन वाटर सैंपल हार्डनेस क्या होता है अगर हम उस वर्ड को एक्सप्लेन करें हार्डनेस मान लो अगर मैं सोप यूज़ कर रही हूँ या डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं वाटर में तो फॉर्म form का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा वाटर जो फॉर्म form फॉर्मेशन नहीं करता है उसे हार्ड वाटर बोलते हैं तो ऑबसली बात है हार्ड वाटर हमारा यूज़ का नहीं है तो हम क्या करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं अब जो हार्डनेस है वो भी दो टाइप की होती है टेम्प्रेरी परमानेंट हार्डनेस अब अगर वो टेम्प्रेरी हार्डनेस है तो थ्रू बॉइलिंग प्रोसेस कुछ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ परमानेंट हार्डनेस होती है जिनके जिनकी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही उन्हें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो अब हमसे पूछ रहे हैं अच्छा रीज़न क्या होता है हार्डनेस ऑफ वाटर का बेसिकली सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हो सॉल्ट भी कौन से क्या तो उसका बाइकार्बोनेट हो कैल्शियम मैग्नीशियम का या उसके क्लोराइड हो या उसका सल्फेट प्रेजेंट है दीज आर द रीजन वाई हार्ड वाटर फॉर्म्स ठीक है वही एक रीजन होता है हार्डनेस ऑफ वाटर का तो अब हमसे क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन द वॉटर सैंपल तो कौन कौन से आयन करते हैं भाई एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम विल कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास फर्स्ट ये ऑप्शन कैल्शियम है तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट वन नीचे अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम है दीज आर नॉट द केस ऑफ आयंस ठीक है सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो वाटर सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है तो बेसिकली uh, अगर आप इन कंपाउंड्स को देखोगे ना तो आप एक वाटर uh, सॉफ्टनिंग में कैलगन्स मेथड पढ़ते हो फॉर दी रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर जो कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है कैलगन्स मेथड होता है अब कैलगन्स में क्या होता है वी हैव कैटाइन एंड एनायन ठीक है कैटाइन एनायन होते हैं उसमें एनायन जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है कैल्शियम प्लस टू के साथ और मैग्नीशियम प्लस टू के साथ और वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए उसे रिमूव कर दिया जाता है एंड वाटर विल बिकम सॉफ्ट वाटर ठीक है तो जब आप पढ़ोगे कैलगन मेथड में यूज किया जाता है एन ए सिक्स पी सिक्स इज वॉट सोडियम हेग्जा मेटाफोस्फेट इज नोन एज कैलगन्स मेथड में यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर दिस इज एन एस पी सिक्स ओ एटीन ट इज सोडियम सोडियम हिग्सा मेटाफोस्फेट विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर सो अब अगर हम ऑप्शन चेक करें दिस इज थर्ड वन इज द ऑप्शन दैट इज एन एस एक्स पी सिक्स एंड ओ एटीन सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रियोडिंग टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइट ठीक है अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें ना तो वी हैव हाइड्राइड क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन इज प्रेजेंट माइनस वन एच माइनस को हम क्या बोलते हैं हाइड्राइड है अब हाइड्राइड भी आयनिक हाइड्राइड होते हैं ठीक है कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं और मेटालिक हाइड्राइड होते हैं आयनिक हाइड्राइड कैसे फॉर्म होते हैं वेन वी हैव S ब्लॉक मतलब ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो हैं मतलब मेटल्स जो हैं दे विल फॉर्म द आयनिक हाइड्राइड ठीक है, है? वहीं अगर हम बात करें कोवलेंट हाइड्राइड P ब्लॉक एलिमेंट्स विल फॉर्म द कोवलेंट हाइड्राइड और अगर हम मेटालिक हाइड्राइड की बात करते हैं D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं दे विल फॉर्म द मेटालिक या फिर उसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोला जाता है ठीक है तो अब मुझे ये पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हाइड्राइड बनाता ही नहीं है तो जब हम मेटालिक हाइड्राइड में पढ़ते हैं अभी हमने बोला तो ये कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे विल फॉर्म द हाइड्राइड लेकिन ग्रुप सेवन ग्रुप एट एंड ग्रुप नाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं साथ साथ ग्रुप सिक्स का भी हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन येस क्रोमियम अपना सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड बनाता है उसके अलावा ग्रुप सिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं ठीक है तो so ये बात एक बेसिकली uh, तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप सेवन एट नाइन डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड एज वेल एज ग्रुप सिक्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड एक्सेप्ट क्रोमियम ठीक है सो वट वी हैव इज ग्रुप सेवन सेवन एट एंड नाइन एज वेल एज ग्रुप सिक्स एज वेल एज ग्रुप सिक्स भी हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता एक्सेप्ट क्रोमियम क्रोमियम अपना हाइड्राइड बनाता है और वो भी कौन सा क्रोमियम हाइड्राइड सी आर एच दिस इज़ हाइड्राइड ऑफ क्रोमियम तो ग्रुप सिक्स में भी क्रोमियम भी बनाता है लेकिन ग्रुप सेवन एट नाइन में तो कोई भी एलिमेंट अपने हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता है ठीक है so सो वट वी हैव इज यही हमसे पूछा था कौन सा ग्रुप है that is group 7 8 9 do not form the metallic hydride option first one is correct वैसे अगर हम देखें ग्रुप थर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये सारे के सारे क्या हैं पी ब्लॉक के हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड दे ऑल विल फॉर्म दी हाइड्राइड और वो भी कौन से कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड वैसे तो हाइड्राइड का मेंशन नहीं किया गया इसमें बस स्पेसिफिकली हाइड्राइड ही बोला है तो बी ब्लॉक ऑल्सो फॉर्म दी हाइड्राइट बट ग्रुप सेवन एट नाइन डो नॉट फॉर्म हाइड्राइट ऑप्शन वन इज करेक्ट वन ठीक है नेक्स्ट ओनली वन एलिमेंट ऑफ डैश फॉर्म हाइड्राइट अभी हमने जैसे बात भी करी कि सेवन एट नाइन ग्रुप के तो कोई भी एलिमेंट्स हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं लेकिन ग्रुप सिक्स में भी क्रोमियम ऐसा है जो हाइड्राइट बनाता है उसके अलावा कोई हाइड्राइड नहीं बनाता तो यही बोला है कि ओनली वन एलिमेंट विल फॉर्म हाइड्राइड तो यस ग्रुप सिक्स का ओनली क्रोमियम विल फॉर्म हाइड्राइड उसके अलावा ग्रुप सिक्स के एलिमेंट्स भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं सो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट वन ठीक है अगर हम बात करें सेवन एट नाइन ऑप्शन दिए हुए और तो और सेवन एट नाइन का मुझे पता है इसके तो एक भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाते हैं डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड तो सेवन एट नाइन तो अगर आपको ऐसा है कि ग्रुप सिक्स याद नहीं आ रहा है ठीक है तो आप बोल आपको ये चीज़ अगर याद है कि सेवन एट नाइन तो हाइड्राइड ही नहीं बनाते हैं तो आप ये अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट वी हैव हैवेज नाउ वी आर ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अभी तक हम सिंगल चॉइस क्वेश्चन पे ही थे अब नाउ वी आर ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात जरूर देखना है कि हमें एक एक ऑप्शन रीड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मल्टीपल चॉइस है ठीक है तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं सिंगल चॉइस में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो और हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती बट इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू हैव टू चेक एवरी ऑप्शन सो वट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है आर नॉट ट्रू फर्स्ट इज इट एग्जिस्ट एज डाईटोमिक मॉलिक्यूल तो हाँ हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो एच टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है करेक्ट वन नेक्स्ट इज इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन द ऑटोम शेल बिल्कुल हाइड्रोजन मुझे पता है वन वन होता है ऑटोमिक नंबर इज ऑल्सो वन एंड द बास नंबर इज ऑल्सो वन ठीक है मतलब एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है और जीरो न्यूट्रॉन है ठीक है तो हमें यही बोला है कि यस इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट एक ही शेल होता है वैसे तो 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 यस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है हमसे नॉट ट्रू पूछा है इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन अट कैन फ्रीली एग्जिस्ट यस एच प्लस हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा ठीक है हाँ बिल्कुल एच जो है हाइड्रोजन अपना क्या बना लेता है कैटायन फॉर्मेशन कर लेता है बट हमने ये बात पहले पार्ट वन में भी बोला था कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता वो एसोसिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज एज एच प्लस इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है जिसकी वजह से बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है इसीलिए एच प्लस जो है वो एसोसिएट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है तो ये ऑप्शन हमें बोल रहा है कि एग्जिस्ट फ्रीली तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन सो ऑप्शन थर्ड ठीक है नेक्स्ट इज इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन के केस में बहुत ही हाई हाँ होती है इट इज अराउंड और थर्टीन हंड्रेड किलोजूल पर मोल इतनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एन, एनर्जी देनी पड़ेगी उसके एक आयन को आयनाइज करने के लिए तो इसलिए हाइड्रोजन जो है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है वो कूबलेंट कंपाउंड्स बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इट कैन फॉर्म जैसे H2 टू केस में अगर हम बात करें वो शेयर करके ही बनाता है कोवलेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन में ठीक है वहीं अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियसली उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और जिसके लिए बहुत ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है सो ऑप्शन फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉट ट्रू तो हमसे नॉट ट्रू ही पूछा था तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज बाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर ऑन कमर्शियल स्केल बाई डिफरेंट मेथड्स ओके इन इट्स प्रिपरेशन बाई द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन ठीक है हाइड्रोकार्बन मतलब वी हैव सी एच फोर की अगर मैं बात करूँ उसमें अगर हम स्टीम देते हैं एच टू स्टीम क्या मिलता है हमें सी यू प्लस एच टू इसको क्या बोला जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस दिस इज मतलब हाई टेम्परेचर होता है This is known as water gas, gas, synthesis gas, बोलते हैं, ठीक है और uh, हमें होती है। इसको क्या बोला जाता है सी ओ और एच टू के मिक्सचर को क्या बोला जाता है हमसे ये पूछा गया है फर्स्ट इज वाटर गैस हाँ बिल्कुल इसे हम वाटर गैस बोलते हैं दिस इज नोन एज वॉट वाटर गैस गैस सिंथेसिस गैस ठीक है वैसे सिंथेसिस गैस का ही शॉर्ट फॉर्म है सिन गैस तो यस वाटर गैस बोला जाता है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन नेक्स्ट इज सिन गैस हाँ बिल्कुल ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट थर्ड इज़ प्रोड्यूसर गैस नहीं इसे प्रोड्यूसर गैस नहीं बोला जाता है इंडस्ट्रियल गैस नहीं इसके दो ही नाम है दैट इज वाटर गैस एंड सिन गैस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन केस ऑफ हैवी वाटर के केस में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हीवी वाटर कौन सा क्या होता है पहली बात नॉर्मल वाटर हम किसे बोलते हैं एच टू को भी एच टू इज अ वाटर यस हैवी वाटर क्या होता है दैट इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है डी टू ओ दिस इज नोन एज वॉट हैवी वाटर हैवी वाटर ठीक है अच्छा अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें वॉट इज़ द कम्पेरिज़न बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर तो मुझे पता है ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होता है तो बिल्कुल जिसकी वजह से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाँ डी डु, टू डु, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और अगर इसका पॉजिटिव नेचर ड्यूटेरियम का ज़्यादा है तो क्या होगा सिचुएशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे इट गेट पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव अब ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ठीक है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ड्यूटेरियम दैट इज ऑक्सीजन ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम ठीक है तो हैवी वाटर में जो अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर ठीक है तो अब हमसे यही पूछा करेक्ट इन द केस ऑफ हैवी वाटर कौन से स्टेट में करेक्ट है वो पूछा गया है सो वॉट वी हैव इज हेवी वाटर इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर को मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में तो यस दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ हैवी वाटर अ मॉडरेटर का मतलब अगर हम बात करें दिस विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हेवी वाटर का यूज़ किया जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है हेवी वाटर का तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इसे हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर येस हेवी वाटर इज़ यूज एज अ मॉडरेटर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है तो ऑप्शन वन इज़ करेक्ट वन सेकेंड क्या बोल रहा हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर अगर हम बात करें डाईलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है वाटर और हैवी वाटर का बट हैवी वाटर का जो है वो स्लाइटली कम होता है या फिर यूँ बोले नॉर्मल वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हैवी वाटर दैट इज वाई नॉर्मल वाटर इज़ यूज एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जबकि यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन में कि हैवी वाटर को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट अच्छे सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कराया जाता है एज कम्पेयर टू ऑर्डनरी वाटर तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ नॉर्मल वाटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू हेवी वाटर ठीक है नेक्स्ट इज हेवी वाटर इज मोर असोशिएटेड देन ऑर्डनरी वाटर असोशिएटेड मतलब ऑर्डनरी वाटर और नॉर्मल हेवी वाटर की अगर हम बात करें तो ये हेवी वाटर क्या हो रहा है असोशिएट ही तो हो रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो हाँ बिल्कुल असोशियट जो है हैवी वाटर स्ट्रांगली होता है वाई वी आर सेइंग बिकॉज ड्यूटेरियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो ज़्यादा एसोसिएशन होता है हैवी वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी वाटर तो यही बोल रहा है कि हैवी वाटर इज मोर असोशिएटेड देन ऑर्डनरी वाटर तो यस ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट वन नेक्स्ट इज हैवी वाटर हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डनरी वाटर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की अब भाई ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यू कैन राइट इट एज़ एच बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हेवी वाटर में स्ट्रोंग होती है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल वाटर तो भाई अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए मतलब बॉइलिंग मतलब ब्रेक करना वेपराइज करना हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी टू बॉयल दी ड्यूटेरियम मतलब हैवी वाटर को बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इसका मतलब बॉयलिंग पॉइंट जो है ड्यूटेरियम वाले वाटर का मतलब हैवी वाटर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर का तो येस हैवी वाटर हैज़ लोअर ये तो लोअर की बात कर रहा है तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट तो वन एंड थ्री इज द करेक्ट वन ठीक है यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ड्यूटेरियम वाले मतलब हैवी वाटर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर बिकॉज हैवी वाटर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड ठीक है नेक्स्ट वी हैव है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट हाइड्रोजन के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हमसे वो पूछा गया है हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन तो ये हाइड्रोजन हैव द्री आइसोटॉप एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है सॉरी ट्रीटियम ठीक है हाइड्रोजन को ही प्रोटियम नाम दिया जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटियम दिस इज ड्यूटेरियम दिस इज ट्रीटियम ठीक है 99 परसेंट या फिर 98 परसेंट अगर बोला जाए तो हाइड प्रोटियम ही एग्जिस्ट करता है इट एग्जिस्ट एज 2% परसेंट ये एग्जिस्ट करता है और ये नेग्लिजिबल होता है बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव ठीक है ये नेग्लेजिबल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हाइड्रोजन हाव थ्री आइसोटॉप येस हाइड्रोजन हाव थ्री आइसोटॉप इन विच प्रोटियम इज मोस्ट कॉमन यस प्रोटियम इज मोस्ट कॉमन हैवी अमाउंट में एग्जिस्ट प्रोटियम ही करता है ठीक है सो फर्स्ट इज करेक्ट वन सेकेंड क्या बोल रहा है हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉलिड हाइड्रोजन जो है वो एक्ट नहीं करता है केटायन आयनिक सॉलिड के अंदर इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा क्यों आयनिक सॉल्ट्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी हाई ठीक है तो वो केटाइन की तरह एक्ट नहीं करता है इन आयनिक सॉल्ट के अंदर सो ऑप्शन सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट वन नेक्स्ट इज अच्छा वी नेवर हा हाइड्रोजन दैट इज H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन तो नहीं H प्लस जो है एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट लास्ट इज डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाई हाइड्रोजन मतलब H2 की बात कर रहा है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज तो क्या वो H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता नहीं H प्लस एग्जिस्ट करता है बट वो एसोसिएटेड फॉर्म में करता है बट हाँ एग्जिस्ट तो करता है अगर H प्लस एग्जिस्ट करता है तो वो खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब दूसरे को वो रिड्यूस करेगा तो येस इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ठीक है उनसे करेक्ट ही पूछा था सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट वन ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज हाँ सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब बिलो विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट प्रॉपर्टी बता रखी है वाटर की जो कि करेक्ट नहीं है हमें वो बताना है सो फर्स्ट इज वाटर इज़ नोन एज टू बी यूनिवर्सल सॉलमेंट यस वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाई डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट तो यस फर्स्ट इज करेक्ट वन नेक्स्ट इज ऑप्शन नहीं है ये मतलब क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए फर्स्ट इज नॉट नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन लिक्विड वाटर तो येस लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लार्ज एक्सटेंट तक होती है तो बिल्कुल सही है सेकेंड इज करेक्ट नेक्स्ट इज देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट वॉट आइस के बारे में बात कर रहा है और आइस के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती नहीं आइस में तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऑप्शन थर्ड इज नॉट ट्रू ठीक है नेक्स्ट इज फ्रोजन आइस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आइस जो है वो हैवियर होता है लिक्विड वाटर से तो ये yes, सॉलिड जो है वो लिक्विड uh, से डेंसर होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई बट इन केस ऑफ वाटर सॉलिड कौन है आइस लिक्विड कौन है वाटर तो होना तो यही चाहिए था कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू वाटर बट इन केस ऑफ वाटर के केस में ऑपोजिट होता है मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तभी तो बोला जाता है कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे उसका रीज़न अगर हम बात करें बिकॉज आइस हैव हैंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक वाटर मॉलिक्यूल को चार वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट uh, कर रहे होते हैं तो क्या होता है लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सॉलिड ठीक है वाटर का या फिर आइस जो है लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो जिस वजह से होता है क्या लार्ज वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इज लो दैट्स वाई आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वॉटर ठीक है तो ये हमें क्या बोल रहा है कि फ्रोजन आइस इज़ हेवियर देन लिक्विड नो इट इज़ नॉट करेक्ट वन सो थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट तो हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है उसमें ठीक है नेक्स्ट वी हैवेज हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टेम्परेरी एंड पर्माट अभी हमने जैसे बात भी करी हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्परेरी भी हो सकती है परमानेंट भी हो सकती है यस परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है अगर कैल्शियम uh, और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस वहीं अगर उसका क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस ठीक है तो परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट सो वट वी हैव इज क्लोराइड ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम इन वाटर येस परमानेंट हार्डनेस इसी वजह से होती है या फिर सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यस हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैगनी हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से तो हार्डनेस ही नहीं होती है ठीक है तो दिस इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल इन वाटर तो इनसे भी हार्डनेस नहीं होती है सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकॉज क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर ऑप्शन वन एंड टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है। एलिमेंट ऑफ़ ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन हमने ये बात ऑलरेडी करी थी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं विच फॉर्मिंग हाइड्राइड बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ठीक है वहीं अगर हम बात करें ग्रुप की ग्रुप आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन प्री साइज इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था दैट इज सी एच फोर अभी देखेंगे और ग्रुप फिफ्टीन के जो एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं ठीक है हाँ वो कौन से क्या होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच अगर इनके एक एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल जैसे ग्रुप थर्टीन में अगर बी एच थ्री हम देखें तो यस दिस इज बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड एक वैकेंड ऑर्बिटल होता है ठीक है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट वहीं ग्रुप फोर्टीन की अगर हम बात करें सी एच फोर हाइड्रोजन 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 ठीक है चार ऑर्बिटल हैं चारों यूज कर लिए बॉन्डिंग के अंदर ठीक है तो ना ही कोई वैकेंड ऑर्बिटल है ना ही कोई लोन पेयर प्रेजेंट है सो दे आर फॉर्मिंग जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वहीं अगर ग्रुप फिफ्टीन की दैट इज एन तो एन में क्या होता है एक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ठीक है तो अब अगर हम देखें स्टेटमेंट वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्टीन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नो दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट पूछा ना इलेक्ट्रॉन uh, डेफिशिएंट तो फर्स्ट गलत है स्टेटमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्टीन आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यस देर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है थर्ड इज करेक्ट नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोइ कैसे इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब क्या था उनके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है अगर वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है बेस तो दे विल नेवर एक्ट एज एसिड अच्छा इलेक्ट्रॉन hmm. रिच हाइड्रेट कैन एक्ट एज बोल रहा है ये तो गलत स्टेटमेंट है दे विल नेवर एक्ट एज एसिड दे विल एक्ट एज लेवस बेस ठीक है सो नेक्स्ट वी हैव इज सो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ग्रुप थर्टीन अभी हमने देखा हमें पता ग्रुप थर्टीन फोर्टीन 13 के कौन थे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट थे ये चीज हमें याद ही रहेगी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज थे और फिफ्टीन के क्या थे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड अब क्या बोल रहा है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप थर्टीन आर लेवस एसिड तो यस हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये कौन है लिवस एसिड है अब भाई जो इलेक्ट्रॉन रिच है दे आर बिहेविंग एज वट लिवस बेस की तरह है. ताकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके सो दे आर बेस एंड दे आर लिविस एसिड सो हाइड्राइट ऑफ ग्रुप थर्टीन इज लिविस एसिड ये हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं 14 के तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं सेकेंड इज गलत थर्ड इज हाइड्राइड ऑफ ग्रुप फोर्टीन आर लेवस एक्ट एज लेवस एसिड फोर्टीन के जो ना ही लेवस एसिड की तरह बिहेव करते हैं ना ही लेवस बेस की तरह बिकॉज क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है जितने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है उनके पास तो दे नेवर एक्ट एज लेवस एसिड और लेवस बेस ठीक है तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट नेक्स्ट इज हाइड्राइड ऑफ ग्रुप फिफ्टीन जो कि लेवस बेस है और इलेक्ट्रॉन as है एक्ट एज बेस ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट वन ठीक है हमसे पूछा है मेटालिक हाइड्राइड आर डिफिशियंट ऑफ हाइड्रोजन देखो अगर हम बात करें वेनेडियम हाइड्राइड पॉइंट फाइव एट एग्जिस्ट करता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक हाइड्राइड बेसिकली होता क्या है कि हाइड्राइट जो हैं वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं तभी इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइट भी बोला जाता है सो दे आर मेटालिक हाइड्राइट जो हैं वो डेफिशिएंट होते हैं हाइड्रोजन के तो यस देर इज लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ठीक है नेक्स्ट इज मेटालिक हाइड्राइट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटालिक हाइड्राइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिल्कुल तो फर्स्ट सेकेंड करेक्ट है इन एक्वास्टेट सॉलिड स्टेट में नहीं करते नेक्स्ट इज आयनिक हाइड्राइट डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट तो हाँ आयनिक हाइड्राइट सॉलिड स्टेट में तो इन कंडक्ट नहीं करते हैं आयनिक हाइड्राइट आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट नो दे आर नॉट गुड कंडक्टर डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट हाँ तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है फोर्थ इज नॉट करेक्ट ठीक है सो वॉट वी हैव इज सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट वन फोर्थ इज इन करेक्ट वन ठीक है सो दैट सॉल्व फॉर सीरीज़ ऑफ चैप्टर नाइन्थ इज हाइड्रोजन ठीक है इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं आप अगर उनकी किसी भी एनसीआरटी एग्जाम्पलर में आपको डाउट है बिकॉज एज वी नो एनसीआर एग्जाम्पलर सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दे आर इम्पॉर्टेंट तो यस एन सी आर टी एग्जाम्पलर्स आप खुद से खुद ही ट्राई करें और अगर आपको किसी में डाउट आता है यू कैन सी द सीरीज ऑफ एन सी आर टी एग्जाम्पलर ठीक है इन नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर टेंथ सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज एन सी आर टी एग्जाम्पल सीरीज